Hey what's up guys, my name is Kabir and you are watching my channel Technical Wish. So guys, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे Windows 11 का न्यू पेंट ऐप को अपने Windows 10 में इंस्टॉल करोगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके इस फाइल को आपको डाउनलोड कर लेना है। देन उसके बाद इस पर राइट क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद गाइज आपको एक फोल्डर दिखेगा, इस फोल्डर को आपको कट करके अपनी सी ड्राइव के अंदर इसे पेस्ट कर देना है। तो जहाँ से आप किसी भी ड्राइव में पेस्ट कर सकते हो, मैं सी ड्राइव में करूँगा जहाँ से आप इसे डिलीट ना कर पाओ। उसके बाद आपको क्या करना है कि इस फोल्डर के अंदर जाना है और यहाँ पे आपको X64 का फोल्डर दिखेगा, इस पर डबल क्लिक करके इस फोल्डर के अंदर भी आ जाना है आपको। देन उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च बॉक्स में टाइप करना है डेवलपर, तो डेवलपर सेटिंग आएगा, डेवलपर सेटिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको डेवलपर मोड को ऑन कर देना है। जब आप डेवलपर मोड ऑन कर दोगे तो यहाँ पे यस का नो करने के लिए पूछेगा, तो आपको सिंपली यस पे क्लिक करके इसे परमानेंट ऑन कर देना है। इसको ऑन करने के बाद आपको सर्च बॉक्स में टाइप करना है पावर शेल। पावर शेल टाइप करने के बाद इसको यहाँ से रन एज एडमिनिस्ट्रेटर से इसे ओपन कर लेना है। तो ये आपका पावर शेल जब ओपन हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पे एक कमांड देखने को मिलेगा, इस कमांड को आपको कॉपी कर लेना है और यहाँ पे राइट क्लिक करके इसे पेस्ट कर देना और एक स्पेस देना है। स्पेस, एक स्पेस देने के बाद आपको ऐप एक्स मैनिफेस्ट वाली जो फाइल है X64 वाले फोल्डर के अंदर स्पेस शिफ्ट को होल्ड करके राइट क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पे कॉपी एज पाथ दिखेगा, इस पर क्लिक करके इसका पाथ कॉपी कर लेना है, फिर यहाँ पे राइट क्लिक करके उस पाथ को पेस्ट कर देना है और इंटर कर देना है। तो गाइज आप देखोगे आपका प्रोसेस स्टार्ट हो गया और कंप्लीट हो गया है और आपका न्यू पेंट ऐप इंस्टॉल हो गया है आपके विंडोज 10 के अंदर। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, मैं अगर पेंट को खोलूंगा तो आपको देखने को मिलेगा मेरा न्यू पेंट ऐप विंडोज 10 के अंदर इजीली इंस्टॉल हो गया है और आपको ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। सिंपल दो तीन प्रोसेस हैं वो कंप्लीट करना और उसके बाद आपका न्यू पेंट ऐप आपके विंडोज 10 के अंदर भी आ जाएगा और आप उसे आराम से यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, अगली बार फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।